मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. स्टूडेंट्स, टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वेश्चन आंसर ऑफ कन्वर्सेशन. सो प्लीज़ ओपन योर बुक मैजिक ऑफ कन्वर्सेशन. प्लीज़ ओपन दिस बुक. ओपन द पेज नंबर 8. ओपन द पेज नंबर 8. लेसन इज 5. लेसन नंबर 5. चैप्टर इज थिंग्स ऑफ डेली यूज. थिंग्स ऑफ डेली यूज. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज ए पेन फॉर? व्हाट इज ए पेन फॉर? आंसर इज ए पेन इज टू राइट विद. ए पेन इज टू राइट विद. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज ए नाइफ फॉर? व्हाट इज ए नाइफ फॉर? नाइफ को हम कैसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? आंसर इज ए नाइफ इज फॉर कटिंग थिंग्स. ए नाइफ इज फॉर कटिंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज ए बुक फॉर? व्हाट इज ए बुक फॉर? आंसर इज ए बुक इज फॉर रीडिंग. ए बुक इज फॉर रीडिंग. फॉर रीडिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज ए वॉच फॉर? व्हाट इज ए वॉच फॉर? वॉच को हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आंसर ए वॉच टेल्स अस टाइम. ए वॉच टेल्स अस टाइम. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज ए बस फॉर? व्हाट इज ए बस फॉर? आंसर इज ए बस इज फॉर ट्रैवलिंग. ए बस इज फॉर ट्रैवलिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज ए बॉल फॉर? व्हाट इज ए बॉल फॉर? आंसर इज ए बॉल इज फॉर प्लेइंग. ए बॉल इज फॉर प्लेइंग. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज ए सोप फॉर? व्हाट इज ए सोप फॉर? आंसर इज ए सोप is for bathing. A soap is for bathing. Question number 8. What is a needle for? What is a needle for? Answer, a needle is for sewing. A needle is for sewing. Okay students, today we have learned question answer of conversation chapter 5, things of daily use. तो सभी बच्चों ने अच्छे से बैठ के इसको रीड करना है जी, लर्न करना है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. बाय बाय.